हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विश्व अध्ययन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अपने विषय की ओर। आज अपना विषय है पैरट यानी कि तोता। तोता जिसे सीटासिन्स के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 398 प्रजातियों के पक्षी है जिनमें सीटासीफॉर्मिस क्रम शामिल है जो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तोतों को 3 सुपर फैमिली में विभाजित किया गया है, सीटाकोइडिया, कैकाटोइडिया और स्ट्रिगोपोइडिया। तोते में अनुकूलन या विशेषताएं होती है जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देती है। इन अनुकूलन में जाइगोडक्टाइल होना शामिल है जिसका अर्थ है कि दो पैर की उंगलियां आगे की ओर इशारा करती है और दो पैर की उंगलियां प्रत्येक पैर पर पीछे की ओर इशारा करती है, और एक मजबूत घुमावदार चोंच होती है जिसका उपयोग नट और अन्य खाद्य पदार्थ को फोड़ने के लिए किया जाता है। तोते के सबसे आम शिकारियों में शामिल है रैप्टर्स जैसे कि बाज, चील, उल्लू, सांप, बिल्लियां, बंदर, चमगादड़। तो आइए दोस्तों, हम तोतों की कुछ खास बातों पर नज़र डालते हैं। वे रंगीन, काफ़ी बुद्धिमान, अत्यधिक मिलनसार और लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणी हैं। विभिन्न तोतों की प्रजातियां रंग, वजन, आदतों जैसी विशेषताओं में काफ़ी हद तक भिन्न होती है। दुनिया भर में तोते की 400 के करीब प्रजातियां हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कई लुप्त प्राय हो गई है। तोते अपने आकार और बड़े सिर और छोटी गर्दन के साथ कॉम्पैक्ट शरीर के संबंध में बहुत भारी नहीं होते हैं। इनकी चोंच छोटी, मजबूत और घुमावदार होती है। चोंच के दोनों भाग बहुत मजबूत होते हैं और फलों और बीजों को तोड़ने के काम आते हैं। तोते उष्णकटिबंधीय पक्षी है और गर्म स्थानों में रहते हैं। तोते बहुत बुद्धिमान पक्षी है क्योंकि वे मानव भाषा की नकल कर सकते हैं। तोते पेड़ों के बिल में रहते हैं। तोते अंगूर, जामुन, आम जैसे फल खाते हैं, साथ ही पत्ते और फसलें भी खाते हैं। तो आइए दोस्तों, तोतों के जीवन चक्र के बारे में जानते हैं। एक बच्चा तोता 5 बुनियादी विकास चरणों से गुजरता है। नवजात यानी नया नया जन्मा हुआ, घोंसला बनाना, नवेली करना, दूध छुड़ाना और किशोर या पूर्व किशोर। तीसरा चरण नवेली तोता है जो उड़ना सीख रहा है। इस स्तर पर बच्चे अक्सर पतले हो जाते हैं क्योंकि वे उड़ने के प्रति जुनूनी होते हैं और भोजन में कुछ रुचि खो देते हैं। कई लोगों के लिए तोते के सबसे प्यारे लक्षणों में से एक उनकी बात करने या शोर की नकल करने की क्षमता है। स्वर क्षमता प्रजातियों के बीच भिन्न होती है, कुछ जोर से होती है, अन्य अधिक शांत होती है। कुछ मानव भाषा बोलना सीख सकते हैं जबकि अन्य केवल पक्षी बोल सकते हैं। हमारा पेट बर्ड चयनकर्ता पक्षियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, मुखर संचारक, बकबक करने वाला, सीटी बजाने वाला और अपेक्षाकृत शांत। कुछ प्रजातियां 1 से अधिक श्रेणियों में आती है। केवल एक प्रजाति को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है जो कि वासा तोता। संभवतः मानव भाषण की सबसे अच्छी नकल अफ्रीकी ग्रे, अमेजॉन, बुग्गी, मैना पक्षी, भारतीय रिंग नेक, पैराकेट्स और क्वेकर तोते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।